जी वियर्स, अब हम आपको जो है वो चाइनीज़ राइस की मैं आपको तैयारी शुरू करवाती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है मनाहिल साबिर, जिसके रिक्वेस्ट पे मैं ये चावल बना रही हूँ, चाइनीज़ चावल। इसके लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए होगा वो है ऑयल। मैं तकरीबन हाफ कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें 3 से 4 जवे जो है वो लहसुन के डालेंगे। आपने थोड़ा सा लहसुन को जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है, मैं 4 गिलास चावल की चाइनीज़ राइस बना रही हूँ। आप अगर क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो जितनी जितनी मेरी मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी, आपने उसी लिहाज से उतनी उतनी क्वांटिटी जो है वो कम कर लेनी है। देखिए, हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया था, अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, 2 ग्रीन चिलीज हैं। हम इसमें चॉप कैरेट्स यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने 4 कैरेट ली थी, जिनको मैंने बारीक फाइनली चॉप किया था। थोड़ा सा इनको पकाएंगे। 3 में इसमें बेल पेपर्स यूज कर रही हूँ, ग्रीन और रेड। आपके पास रेड ना हो तो आप ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सोते करेंगे। फाइनली चॉप कैबेज, तकरीबन मैंने हाफ इसका जो है वो बंच यूज किया है। देखिए, इन सब वेजिटेबल्स का कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब मैं पहले इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर लूँगी। जो इसमें सॉसेज है वो मैं तब ऐड करूँगी जब हम चावल डालने के करीब होंगे, तभी हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, ये ऐड कर रही हूँ ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएँ, वरना सब्ज़ियाँ जल्दी से नहीं गलेंगी। 1 टेबलस्पून मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है। अब हम इनको थोड़ा सा ढक्कन लगा कर पकाएंगे, नरम करेंगे थोड़ा सा। हाफ के जी मैं इसमें श्रेडेड बॉयल चिकन ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पहले सब्जियाँ जैसे ही हमारी सोती हुई थी, इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें 1 कप जो है वो यखनी ऐड कर रही हूँ। 1 कप मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ ताकि सब्जियाँ जो हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ की सब्जियाँ थोड़ी सी सख्त होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सब्जियाँ थोड़ी सी नरम होती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1/2 कप यूज़ कर लीजिएगा। मैं इनको जो है वो कवर अप कर दूंगी, वेजी जो है वो सॉफ्ट होने तक मैं इनका वेट करूंगी, फिर बाकी का प्रोसेस आपके सामने शुरू करूंगी। अब हमने इसका ढक्कन खोला था, सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। मैं सॉल्ट इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने चावलों को जब मैंने बॉयल किया है तो मैंने उसमें फुल सॉल्ट जो है मैंने ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें 6 टेबल स्पून विनीगर, 6 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस। अब मैं इसमें 4 ग्लास जो है वो बॉयल राइस के ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 4 जो थे वो अंडे थे, जिनको मैंने जर्दा रंग डालकर इनका फ्राई कर लिया था, ये ऐड कर रही हूँ। मेरे चावल जो हैं वो फुल कुक्ड है आज जो है, इसलिए मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। इसके बाद ये स्प्रिंग ऑनियन हम डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए मैं दम दे रही हूँ। व्यूअर्स, अब मैंने इसका दम खोल दिया। मैं इसको सारे चावलों को मिक्स करूँगी। ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत जो है वो शक्ल आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। इसको हम सारे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे फ्रीहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।